इस अमल के करने से एक मिनट के अंदर अंदर आपका महबूब, आपका मतलूब आपके कदमों में होगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चैनल आपका अपना हकीम हाजिक और मैं आपको वेलकम करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अमल आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि एक मिनट में असर करेगा। ये सिफली अमल है, शैतानी अमल है। इस अमल के करने से एक मिनट के अंदर अंदर आपका महबूब, आपका मतलूब आपके कदमों में होगा। ख्वाह आप ये अमल किसी लड़की के लिए कर रहे हैं, या लड़का लड़की के लिए कर रहा है, या शौहर बीवी के लिए, या बीवी शौहर के लिए, उन हजरात के लिए ये अमल ख़ास तौर पर है जो कि बहुत से अमल कर चुके हैं और उनको फ़ायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर चुके हैं। तो वो एक बार इस अमल को करें, इस नक्श को लिखें, तो फिर देखना कि आपका महबूब कैसे आपके पास वापस नहीं आता। ये नक्श आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, इसको आप देख लें, समझ लें। ऊपर वाली लाइन इसी तरह आपने फिल करनी है जिस तरह आप देख रहे हैं। अब हम आते हैं दरमियान वाली लाइन पर। यहाँ फलां बिन फलां लिखा हुआ है, यहाँ आपने पहले फलां की जगह अपने महबूब का नाम लिखना है, अगले फलां की जगह आपने उसकी वालदा का नाम लिखना है। अगर उसकी वालदा का नाम नहीं मालूम तो आप अम्मा हवा भी लिख सकते हैं। नीचे वाली लाइन, मिल मिलारी मोहब्बता मारी शैतान। अब दरमियान में मोहब्बता मारी है, अगर आप लड़की हैं करने वाली, अमल करने वाली, तो आप मारी लिखेंगी। अगर मोहब्बत करने वाला कोई मर्द है, लड़का है, तो वो मोहब्बता मारा लिखेगा। इसमें अमल में आपका नाम कहीं नहीं लिखा जाना, आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप अमल करते वक्त अपने महबूब को अपने जहन में रखें, अपने तसव्वुर में रखें, तसव्वुर को टूटने मत दीजिएगा। बस यही अमल है, यही नक्श है, इस नक्श को आपने जला देना है। जो ही आप इस नक्श को जलाएंगे या जलाएंगी, उसी एक मिनट के अंदर अंदर आप उसका रिज़ल्ट पाएंगी। वो आपसे राबता करेगा किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से। हमारा मकसद उसको आपके कदमों में लाना है। अमल करने की इजाज़त लाजमी है, तो इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इजाज़त आपको मिल जाएगी, दे दी जाएगी। दूसरे नंबर पर इस अमल को, इस नक्श को आपने ज़ाफ़रान के साथ बनाना है। ये नक्श किसी बॉल पॉइंट, पॉइंटर या पेन के साथ नहीं, इस नक्श को आपने ज़ाफ़रान के साथ बनाना है। दूसरी बात, इस अमल को आपने दिन के वक्त नहीं करना, रात के वक्त करना है। रात का वक्त वो जो इशा के बाद, आप सुबह तक किसी भी टाइम इस अमल को कर सकते हैं, इस अमल को दिन में नहीं करना। वही बंदा जो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, वो आपके पीछे पीछे होगा, ऐसे जैसे कोई पागल आवारा फिरा करते हैं। अमल हमारा तमाम हुआ, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।